जानती हैं? कौन प्रशांत किशोर है? कैसा प्रशांत किशोर दिखता है? आपके नेता को जो नौमी कहाँ से आया है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा? हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो। कितना पढ़े लिखा? हम इंजीनियर है। हाँ। और क्या किया है वो? अपना डिग्री दिखाएगा, हम अपना डिग्री दिखाएंगे। वो अपना नेता को नौमी फेल कर, नौमी फेल से तो आकर के हमसे बात कर लेना। नौमी फेल को छोड़ दे, अगर वो नौमी फेल कहता है तो उनको छोड़ दे, पहले हमसे आकर के और वो डिबेट कर ले बैठ करके। कोई ग्रेजुएट पास लड़का चाहे कोई भी युवा क्यों नौमी फेल को अपना सीएम कहेगा? नहीं नहीं, तो वो हम कह रहे हैं ना, जितना तेजस्वी जी में दम है वो है उसमें। तेजस्वी जी में क्या, तेजस्वी जी के कार्यकर्ता में है उतना प्रशांत किशोर में है क्या, बताइए तो। देखते नहीं कितना भीड़ रहता है उनके। हाँ, भीड़ तो कोई जुटा लेगा। हाँ, भीड़ तो हम भी जुटा करके ले आएंगे, लेकिन हमको नेता मानेगा लोग? दावा कर रहे कि 25 में सरकार बनाएंगे। हाँ, एकदम बना रहे हैं। तो क्या करेंगे सीएम? हाँ, वो देख लीजिएगा ना, वो दिल्ली दूर है उनके लिए, कहना आसान होता है, करना बहुत उतना ही मुश्किल होता है। सरकार में आते ही तेजस्वी जी हमेशा लोगों के बीच रहे, जनता के बीच रहे, और जनता अच्छे से जानती है कि वो है, वो बीजेपी के बी टीम है, वो बीजेपी के बी टीम है। हम वही तो बोले, उसको हम लोग कहते हैं, उसको तो हम लोग नोटिस भी नहीं करते। हम लोग नोटिस नहीं करते तो हमारे नेता क्या करेंगे? आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लेटर जारी किए कि नहीं जाना, प्रशांत किशोर पांडे है, ऐसा तो कुछ पार्टी में नहीं, ऐसा तो कुछ हम लेटर दे जारी किए होंगे, लेकिन हमको, हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा है। वो लोग अपना खुद करवा लिए होंगे झूठ मूठ करके कि हाँ ये आया है वो आया है, ऐसा तो वो लोग चलवा लेते हैं, उन लोग के लिए आसान बात है मीडिया में चलवाना। लूटे है लालू जी के राज में, गरीबों को आप लोग लूटे हैं। लूटे हैं वो तो वही बताएंगे कि वो किसको लूट रहे हैं अभी। वो कहाँ लूट रहे अभी? सत्ता में थोड़ी है वो। वही ना बोल रहे हैं, उनके पास पैसा इतना आ कहाँ से रहा है? वो तो लूट के ही ला रहे हैं। ये बताएंगे, उसका ब्यौरा देंगे कि वो कितना, उतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कितना बिजनेस है, कहाँ कहाँ उनका बिजनेस है, वो बताएंगे क्या? तो उनको ना, उनको वो अपना मुंह बंद ही रखे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं लग रहा कि 25 में कोई चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है, हमारे नेता अकेले हैं और अकेले लड़ेंगे और अकेले जीतेंगे, और जनता की सरकार होगी। जदयू और बीजेपी और ये राजद ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे पार्टी की सरकार नहीं होगी, जनता की सरकार होगी। और ये जनता तय कर चुकी है कि सरकार में हमें आना है, जनता खुद तय कर चुकी है कि सरकार में हमें आना है और मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। चलिए तो देखना होगा 25। बिहार का एक एक लोग मुख्यमंत्री होगा, ऐसा होगा, ये देख लीजिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो एक घंटे में जो शराबबंदी है उसको खत्म कर देंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, एक बार पहले वो सत्ता में तो आके देखेंगे, उनको मौका मिलेगा, जनता मौका देगी तब ना वो सत्ता में आएंगे। मुझे तो नहीं लगता है, आप हरेक गांव-गांव में जाके देखिए किसका नाम लेगा। अगर मेरे लालू जी मसीहा है तो सिर्फ लालू जी का नाम लेता, और कोई पार्टी का लालू कोई... जी को मसीहा कहा, चारा चोर जंगल राज। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, चारा चोर जंगल राज ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अभी क्या चल रहा है, जो 5 साल की बेटी को जो हम लोग दुर्गा का रूप देते हैं, आज उसके साथ क्या हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, और जो उसके पार्टी के लोग हैं उसको सपोर्ट करके उसको सजा नहीं दिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर की तो पार्टी भी बनेगी 2 अक्टूबर को। पार्टी बनेगी तो उस समय देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उनका यहाँ पे राज चलेगा, यहाँ पे उनका अपना छवि दिखा पाएंगे, मुझे नहीं लगता। वो फेल्योर हो जाएंगे, मेरी गारंटी, मैं दावा कर रही हूँ ना, वो फेल्योर हो जाएंगे। इनकी वहाँ पे सरकार इनकी नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, नहीं। ये सब कुछ दिनों के लिए ऐसे ही चल रहा है, हवा चल रही है, हवा खत्म हो जाएगी। मुसलमान को टिकट दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, अब किसको क्या बना रहे हैं मुझे नहीं पता। वो तो सुन रहे की गाड़ी भी दे रहे हैं सबको, अपने तरफ से 4 व्हीलर दे रहे हैं, तो क्या 4 व्हीलर देने से वो क्या यहाँ पे अपना राज्य जमा लेंगे? नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जनता सिर्फ लालू जी को चाहती है, तेजस्वी जी को चाहती है, बस हम उन्हीं की पार्टी में। लालू जी को क्यों चाहती है? लालू जी तो पलायन पे भी ध्यान नहीं दे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि पलायन दिए हैं, ध्यान दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है कि जो अभी प्रशांत किशोर जी जो इस तरह से बात बोल रहे हैं वो उनकी सिर्फ नेगेटिव पॉइंट है, और कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ बोलते ही रह जाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। मैं भी आज बोल रही हूँ कि उनकी पार्टी यहाँ नहीं चल पाएगी, नहीं डालने के ना सरकार बन पाएगी। चलिए, और भी यहाँ पे हैं, क्या नाम हुआ? चांदनी सिंह। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर के आने से कुछ 25 में? कुछ नहीं है, के आने से क्या होता है? आप भी तो को नहीं कहिएगा तो फिर कैसे, क्या कहना चाहती हैं आप ही बताइए। जनता के बीच जा रहे हैं, 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी जनता के बीच में जाते हैं, और आए दिनों बेटियों के साथ गलत गलत काम हो रहा है, हो रहा है 10 साल की बच्ची के साथ हो रहा है, तो ये बताइए कि क्या किया जाए। प्रशांत किशोर पे आइए, कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? वो तो असर पड़ेगा ही, 2025 में हमारी ही सरकार आएगी। आपकी सर दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी? बीजेपी के हैं और किसके? कैसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? बिल्कुल है, कैसे?
वो कैसे नहीं है हमको ये बताइए। वो तो आप नहीं बिल्कुल है वो से है, वही तो वो देखिए जो जो बीजेपी कहती है वही वो उनके टट्टू बनकर सारा बात वो हमारे जो भी आरजेडी की नेता है उन लोग को भी बहुत बार वो झांसे में लेना चाहें लेकिन उनके झांसे में कोई नहीं आया। समझ गए आपके नेता को नौमी फेल करते हैं पता है क्या वो कितने फेल है? बुद्धि नहीं है आपके नेता के पास, बुद्धि नहीं है। तो 17 महीने में वो दिखा दिए कि वो देखें कि वो चाचा जी कैसे भागे कि हमारी इंसल्ट होने लगी जो वो नहीं कर पाए वो हमारे तेजस्वी जी करके। तो नीतीश कुमार थे रोजगार तो वही दिए, तो पहले क्यों नहीं दिए? यही रोजगार वो पहले दे देते ना, ये 17 महीने की जब सरकार हमारी बनी तब वो क्यों दिए? वो कहाँ से दे दिए जॉब? और जितने बेरोजगार थे हमारे उसको तो नौकरियां हमारी सरकार दी, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? जो हमारे युवाओं जो ठेला पे पकौड़ी बेच रहे हैं और जो पढ़ पढ़ के बैठ रहे हैं घर में, जो घूस दे रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं, जो बोलते हैं जो टीचर और इसका जो बहाली निकालते हैं वो पढ़े हुए बच्चे लोग घर में रह रहे हैं और जो घूस दे रहे हैं उनको कखगा जिसको भेंट नहीं है वो टीचर बने किशोर देंगे रोजगार। कह रहे हैं कि जो भी पलायन कर चुके हैं उनकी सरकार आती सबको बिहार बुलाएंगे रोजगार देंगे। तो पहले वो जिनके वो हैं उनको ना पहले कहिए उनको रोजगार देने के लिए, इनके पे हम क्या विश्वास करें कि ये दल देंगे? देना है तो सरकार और रहना और न रहने से क्या होता है? आप ऐसे भी मदद कर सकते हैं जो बेरोजगार हैं उन्हें ऐसे भी मदद करके आप दिखाइए। सत्ता में आते ही करेंगे क्यों, सत्ता की क्या जरूरत है? ऐसे भी आप करके दिखाइए ना, जो बेरोजगार हैं जो चल रहे हैं इधर उधर भटक रहे हैं, जो हमारे बच्चे जो युवाएं हैं उनको दीजिए ना रोजगार। 25 में तय है तेजस्वी? बिल्कुल। प्रशांत किशोर का चांस नहीं है? बिल्कुल नहीं। महिला लोग को भी टिकट दे रहे हैं, आप महिला है आपको तो उधर जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हम पलटू चाचा हैं क्या? हमारी तेजस्वी जी ही सब कुछ है और उनकी सरकार बनेगी और 25 में उनकी ही सरकार बनेगी, उसके बाद देखिएगा कि क्या होता है क्या बदलाव नहीं होता है। चलिए आरजेडी की महिला सिपाही थी, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर को लेकर, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।